नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHU। आज की वीडियो दोस्तों काफी धांसू होने वाली है, जिसके अंदर दोस्तों बहुत सारी अपडेट्स कवर करेंगे। तो होप करूंगा दोस्तों आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। एंड शुरू में दोस्तों कर दीजिएगा द ब्लड लाइन यानी कि रोमन रेंस के नाम लाइक। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की। सेथ रॉलिंस लड़ना चाहते हैं रोमन रेंस से। इससे पहले रूमर्स आए थे, इससे पहले खबरें आई थी, लेकिन इस बार दोस्तों कंफर्मेशन आई है। सेथ रॉलिंस ने सिर कह दिया कि मुझे रोमन रेंस के खिलाफ रेसलमेनिया में चाहिए एक तरीके का रीमैच। तो यहां दोस्तों सेथ रॉलिंस दिखाई देते इम्पल्सिव टीवी में, जो कि आप जानते हैं लोगन पॉल का शो है। और इसके अंदर दोस्तों उन्होंने काफी अच्छे से बात की लोगन पॉल से, लोगन पॉल ने भी उनसे काफी अच्छे से चैट किया। और इसके अंदर दोस्तों जो सेथ रॉलिंस है उन्होंने दो तीन चीजें कही। पहली चीज जो कि वो रिवील्ड की है वो ये कि उन्हें ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लग रही है। दूसरी चीज ये कि रोमन रेंस की रिस्पेक्ट करते हैं। तीसरी चीज ये कि रोमन रेंस यानी कि अपने ही पूर्व शील्ड ब्रदर को फेस करना चाहते हैं एट रेसलमेनिया। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा इस मैच के होने के चांसेस दोस्तों रेसलमेनिया से ज्यादा इसी साल सर्वाइवर सीरीज में होंगे, क्योंकि सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वहां दोस्तों होंगे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन अगर किस्मत ने चाहा तो। एंड रोमन रेंस दोस्तों वहां होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियन अगर चीजें सही रही तो। यहां दोस्तों में फिर से देखने को मिल सकता है सेथ वर्सेस रोमन, एंड सेथ चाहते भी है ये। बात कर लेते दोस्तों सेकंड न्यूज की, वो हमारी जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने ब्रे वाइट से। ब्रे वाइट के बारे में दोस्तों काफी बड़ी अपडेट आई है। बहुत से लोग चाहते थे कि ब्रे वाइट लौटे रोमन रेंस के ऊपर हमला करे, लेकिन दोस्तों पूरा पूरा साल होने को आया है कि हमने ब्रे वाइट को नहीं देखा है। तो क्या है पूरा माजरा? दरअसल दोस्तों ब्रे वाइट जो है वो कुछ समय पहले इलनेस का शिकार हो गए थे, लेकिन बताया जा रहा है कि वहां उनके काफी मेगा प्लान्स थे। ये जो रूमर है निकलकर सामने आया, स्पोर्ट्स क्रीड़ा वाले दोस्तों यहां बता रहे हैं कि देयर वर प्लान्स फॉर अ न्यू ब्रे वाइट फैक्शन, यानी कि एक नई वाइट फैमिली वाकई में बनने वाली थी। और उसके अंदर दोस्तों एरिक यंग भी होने थे और बाकी के सुपरस्टार्स भी, जो कि काफी डार्क इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अब दोस्तों आगे इन फ्यूचर क्या होता है वो तो फ्यूचर ही बताएगा ब्रे वाइट का। लेकिन बात कर लेते हैं उस महिला की जो कि ब्रे वाइट के साथ थी एक टाइम को, लेकिन अब उसके बच्चा होने वाला है। तो अलेक्सा ब्लिस के ऊपर दोस्तों अपडेट आ चुकी है। दिल को थोड़ा सा बुरा लगा जब अलेक्सा ने शादी की, दिल को ज्यादा बुरा लगा जब अलेक्सा ने अपडेट आज दी। दरअसल दोस्तों अलेक्सा ब्लिस ने अपडेट दिया, और इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले तो उन्होंने अपने पति को बर्थडे विश किया, और नीचे दोस्तों एक फोटो उन्होंने डाली है, और उसके अंदर दोस्तों चीजें काफी इंटेंस है। लिखा है बेबी कैबरेरा अराइविंग December 2023। तो बेबी का दोस्तों डेब्यू होने वाला है अलेक्सा ब्लिस के, और ये कब होगा? दिसंबर में होगा। दैट मीन्स दोस्तों साल के एंड तक अलेक्सा ब्लिस बिल्कुल भी WWE के अंदर नहीं दिखाई देने वाली है। बात कर लेते दोस्तों इससे अगली न्यूज की। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई गाइस, वो जुड़ी द बीस्ट ब्रॉक लेसनर से। कल की रॉ काफी ऑसम थी, और गाइस उसके अंदर कुछ एक सेगमेंट बोरिंग थे, लेकिन लेसनर का सेगमेंट काफी एंटरटेनिंग था। यहां दोस्तों आपको बताना चाहूंगा ब्रॉक लेसनर ने रॉ के यानी कि अपने सेगमेंट के खत्म होने के बाद भी बहुत कुछ किया है। ब्रॉक लेसनर दोस्तों बैक स्टेज जाते हैं, और गाइज बैक स्टेज जाने के साथ दोस्तों वो फिर से स्क्रीन पर आकर यही चीज कहते हैं कि सिया एट SummerSlam बैच। तो यहां दोस्तों उन्होंने कोडी को दूसरी बार कुतिया कहा है। एंड गाइस बात करूं कोडी रोड्स की, कोडी रोड्स के साथ काफी गलत हुआ उनकी मां के सामने ही। कल उन्हें F5 लगा, किमोरा लॉक लगा है। लेकिन गाइस आपको बताना चाहूंगा यहां कोडी के ऊपर भी अपडेट है। तो कोडी के ऊपर क्या अपडेट है? दरअसल दोस्तों कोडी रोड्स जल्द एक स्टिपुलेशन जो है अनाउंस कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मैच के लिए। ये जो मैच होने वाला गाइस एक रबड़ मैच है, यानी कि इनकी राइवलरी का तीसरा मैच है। इसके अंदर अभी तक कोई भी स्टिपुलेशन नहीं हुआ, लेकिन अपडेट क्या है कि There are plans जो कि डिस्कस किया गया है कि गाइज इनका मैच किसी तरीके का स्टिपुलेशन में खत्म हो। यानी कि गाइज यहां हम लोगों को देखने को मिल सकते तगड़े वाली स्टिपुलेशन इस मैच के अंदर ऐड होती हुई। और मैं चाहता हूं या तो दोस्तों ये हो फॉल्स काउंट एनीवेयर, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहां भी वे इर्द गिर्द लड़ रहे थे रिंग के, तो फॉल्स काउंट एनीवेयर हो सकता है, होना चाहिए। या फिर दोस्तों लास्ट में ट्रेंडिंग भी चलेगा। अब देखते हैं दोस्तों होता क्या है। बात कर लेते हैं दोस्तों इससे अगली न्यूज की। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे अपने WWE के राइडर टेकर यानी कि जैक राइडर से। तो दोस्तों जैक राइडर हाल फिलहाल में अंडरटेकर के जैसे एक लाइव इवेंट में दिखाई दिए थे, लेकिन उससे ज्यादा सुर्खियां दोस्तों उन्होंने बीती शाम मंडे नाइट रॉ में बटोरी है। रीजन है उनकी पत्नी, तो चेल्सी ग्रीन जिन लोगों को नहीं बताया उनकी पत्नी है, और कल दोस्तों ये बन गई है WWE अनडिस्प्यूटेड वुमन टैग
टीम चैंपियन, जहां सोनिया के साथ मिलकर इन्होंने करंट रेनिंग चैंप यानी कि लिव एंड रैकुल को हरा दिया। यहाँ दोस्तों जैक राइडर बैक स्टेज आए थे अपनी पत्नी के सपोर्ट में और एक अरसे के बाद हमें वो मंडे नाइट रॉ के बैक स्टेज दिखाई दिए। इवन दोस्तों और भी ज्यादा तस्वीरें उनकी वायरल हो रही है डब्ल्यूबी स्टार्स के साथ, विच मींस जल्द हम लोगों को डब्ल्यूबी के अंदर देखने को मिलेंगे। अभी दोस्तों उनका ऐसा वैसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रिपल एच के साथ साइन नहीं हुआ है, लेकिन जल्द बताया जा रहा है कि साइन होगा। अब साइन से आता है दोस्तों यहाँ ट्रिपल एच भी दिखाई दिए किसके साथ, सोनिया एंड चेल्सी के साथ ही। तो गाइज एक फोटो जो वायरल हो रही है ट्विटर के ऊपर, उसमें आप देख सकते हैं द गेम ट्रिपल एच दिखाई दे रहे हैं और ये फोटो दोस्तों चेल्सी और सोनिया ने डाली है जिसके अंदर वो थैंक्स कर रहे हैं ट्रिपल एच का। आपको दोस्तों एक अंदर की बात बताना चाहूंगा, इस वक्त दोस्तों ट्रिपल एच क्या कर रहे हैं ना कि ये जो वुमेन्स टैग टाइटल है ना इसे नचा रहे हैं, इसे नचनिया की तरह नचा रहे हैं। कभी यहाँ जा रही है, वहाँ जा रही है, ये जीत रहा है, वो जीत रहा है, लेकिन जो उनके मेन चैंपियन है ना वो नहीं हार रहे। अगर गंतर की बात की जाए, साल होने को आया है और गाइस चैंपियनशिप उनके कंधों पर है। 3 साल हो गए रोमन रेंस ने चैंपियनशिप लूज नहीं की। जहां बात करूं दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी की, वो भी 100 से ज्यादा दिन कंप्लीट कर चुके हैं और गाइस बताने की जरूरत नहीं है कि मेन रोस्टर के बाकी के जितने भी सुपरस्टार्स हैं वो चैंपियनशिप लूज ही नहीं कर रहे हैं। और ये जो टैग चैंपियनशिप्स है ना गाइस, ये चेंज हो रही है लगातार। तो यहां दोस्तों ट्रिपल एच मौज काट रहे हैं चैंपियनशिप के साथ ताकि रेटिंग में बदलाव लाया जा सके। बात कर लेते हैं दोस्तों आज की अपनी थर्ड लास्ट न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी हुई है दोस्तों बेली से। तो मैंने आपको बताया था बेली इंजर्ड होगी एक लाइव इवेंट में, लेकिन अब उनके ऊपर बहुत अच्छी अपडेट आ रही है। इससे पहले लग रहा था कि बेली को फिर से 3 या फिर 4 महीने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़कर जाना पड़ जाएगा, रिकवरी में जाना पड़ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव अपडेट क्या है कि उन्हें बैक स्टेज डब्ल्यूडब्ल्यू के बाहर देखा गया है दोस्तों, और वहां वो बिना सपोर्ट के बिना लिंप किए चल रही थी। तो नई इंजरी उन्हें आई थी, नई इंजरी के साथ दोस्तों जो रूमर से तेज हो गए थे कि शायद से पुरानी इंजरी उनकी हरी हो गई है, लेकिन अपडेट काफी अच्छी है क्योंकि बिना किसी बैसाखी के चल रही है, विच मीन्स दोस्तों बेली इज फाइन एंड गाइस समर स्लैम इज ऑन। बात कर लेते आज के अपने सही लास्ट न्यूज की। सही लास्ट न्यूज जो आज के बारे जुड़ी हुई गाइस, वो जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो काफी तगड़ी न्यूज निकल कर सामने आ रही है, काफी बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है रोमन रेंस, रिकॉर्ड ऑफ द मशीन, एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर दिया है। 1500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं कि गाइस वो वर्ल्ड चैंपियन है। तो 1500+ डेज दोस्तों रोमन रेंस हैज बीन वर्ल्ड चैंपियन इन हिज WWE करियर फॉर अ कंबाइंड टोटल ऑफ 1500+ डेज। तो यहां दोस्तों कंबाइंड वे में 1500 से ज्यादा दिन हो चुके हैं कि वो दोनों चैंपियनशिप को होल्ड किए, एंड इट इज क्रेजी क्योंकि गाइज हमने मॉडर्न एरा में ऐसा कोई भी बंदा नहीं देखा है जो कि इतना ज्यादा डोमिनेट किया हो। लेकिन ये डोमिनेशन खत्म हो सकती है रिया रिपली के द्वारा, जो कि आज की हमारी मेन खबर है। तो गाइज काफी बड़ी चीज हुई है, पहली चीज ये कि डोमिनिक जीते और दूसरी चीज डोमिनिक ने बड़ी बात कह दी। तो ब्रेकिंग न्यूज, डोमिनिक मिस्टीरियो बन चुके हैं ब्रांड न्यू नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन इन NXT। आज दोस्तों NXT में उनका मैच था जिसे दोस्तों उन्होंने रॉ के अंदर एडवर्टाइज भी किया था और गाइस ये वेस्ली के खिलाफ था। इसके अंदर दोस्तों एक बड़ी चीज हुई जो कि किसी ने नहीं सोची थी। वेस्ली दोस्तों शायद से लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन थे वहां नॉर्थ अमेरिकन टाइटल उनके पास था और इसके अंदर वो हार गए। मैच के अंदर होता गया एंड में कि गाइस डोमिनिक की गंदी पिटाई हो रही थी, बीच बीच में अच्छे मूव सेट भी लगा रहे थे और थोड़े बहुत वॉचेस भी कर रहे थे, लेकिन एंड में होता ये कि गाइस वहां आ जाती है जजमेंट डे और जो डेमियन अटैक करने की कोशिश करते हैं वेस्ली के ऊपर, वेस्ली बचते हैं, लेकिन इवेंचुअली दोस्तों वो टॉप कॉर्नर के ऊपर कनेक्ट कर जाते हैं एक टाइटल बेल्ट के साथ जो कि थी वुमेन्स टाइटल। रिया रिपली ने अटैक कर दिया उनके ऊपर और फिर बेचारे वो अंदर गिर गए जहां डोमिनिक उनका पिन फॉल ले लिया और यहां बन गया नॉर्थ अमेरिकन चैंपियन डोमिनिक मिस्टीरियो। दोस्तों चैंपियन बनने के बाद जो कुछ किया है, जो कुछ कहा, वो ज्यादा शॉकिंग था। बैक स्टेज गए जहां रिया ने डोमिनिक को वन ऑफ द बेस्ट सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू का बताया और गाइस उनके गले वले लगी। डोमिनिक मिस्टीरियो ने ये चीज कही है कि वो अपने डैड की दोस्तों लेगेसी को सरप्राइज कर गए और उसके बाद उन्होंने ये चीज भी कही कि रिया रिपली जो है वो जल्द काफी बड़ी सुपरस्टार हुई। रिया रिपली जो मेरी माशूक है वो इस वक्त चैंपियनशिप होल्ड की हुई महिलाओं की, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं है जब वो पुरुषों की सारी चैंपियनशिप हथिया लेगी। 2 साल में रोमन सेथ और जितने भी पुरुष हैं उन्हें हरा देगी और बन जाएगी WWE की क्वीन। तो रिया रिपली के ऊपर बड़ी प्रेडिक्शन करती है। क्या आपको लगता है ना वाकई में रिया हरा सकती है, तो कॉमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं क्योंकि मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि रिया रिपली रोमन रेंस का
पिनफॉल ले सकती है, लेकिन हाँ जजमेंट डे जैसी डोमिनेशन कर रहे हैं। अब सिर्फ एक बंदा रह गया जिसके पास कुछ नहीं है, वह फिन बैलर। देखते आगे होता गया। वीडियो आज की इतनी थी। वेल दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब्बा खैर।